नमस्कार, आप देख रहे हैं सिवान एक्सप्रेस ऑनलाइन। क्रिकेट हो या फुटबॉल, ऐसे खेलों के प्रति बरहड़िया के लोगों की काफी लगाव दिखी जाती है। अभी क्रिकेट का मैच खत्म ही हुआ कि फिर से दाऊद खान के अध्यक्षता में फुटबॉल टूर्नामेंट मैच का आगाज का ऐलान कर दिया गया है। ये टूर्नामेंट पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के संरक्षण में खिलाया जाएगा। इस टूर्नामेंट में नेपाल, लखनऊ, कोलकाता, रांची इत्यादि जगहों की टीमें भाग लेगी। आज पहला मीटिंग रखा गया था टूर्नामेंट अध्यक्ष दाऊद खान के द्वारा। साथ में मौजूद रहे उपाध्यक्ष मेहताब खान, लक्की बाबू, टूर्नामेंट कोषाध्यक्ष राजद नेता इस्तामामुल हक सिद्दीकी, बिपिन शर्मा, अकबर शाह, नियाज सर, रहमुद्दीन खान, हरेंद्र सिंह, प्रदीप शर्मा और इरफान खान। देखिए मेरा सिवान एक्सप्रेस का रिपोर्ट, मीटिंग के बाद क्या कहे दाऊद खान। नमस्कार, स्वागत है आपका सिवान एक्सप्रेस ऑनलाइन में और मैं हूं आपके साथ यूनुस। बरहड़िया के ब्लॉक ग्राउंड में एक बार फिर से फुटबॉल मैच का आगाज किया गया है, जो कि देख सकते हैं पहला मीटिंग था बरहड़िया ब्लॉक में। तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं जो इस मैच में काफ़ी ज़्यादा सहयोग करते हैं, लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आज इनसे हम बात करेंगे कितना तारीख से मैच को ये चलाया जाएगा, कितना कहां कहां की टीमें आएंगी, आखिर ये मैच कराने का इन लोगों का उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहले दाऊद खान, आपका स्वागत है मेरे सामने। आपके चैनल में भी स्वागत है। कई वर्षों से आप लोग यहाँ पर फुटबॉल मैच करा रहे हैं। फुटबॉल तो काफ़ी दिन से हो रहा है, जैसे कि ये RJD के बैनर तले पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के संरक्षण में काफ़ी दिन से चल रहा है, लगभग 2002 से चल रहा है। उसके पहले भी लोग वो लोग कराया करते थे, लेकिन जैसे मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जेल गए उसके बाद से हम ही लोग इसका कमान संभाले फिर, और लगभग 2002 से अभी तक। एक साल तो कोरोना काल में निकल गया है, फिर मैं इस टूर्नामेंट को चालू किया हूँ और उन्हीं के बैनर तले हम लोग कराते आते हैं। इसका उद्देश्य, आपने इसके पहले भी बोला, इसका उद्देश्य यही है कि एक माहौल बने यहाँ पर, खेल के प्रति लोगों में जागरूकता है, मेल मोहब्बत बने, भाईचारा कायम रहे, यही हम लोग का उद्देश्य रहता है। जी जी, इसमें यहाँ के लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? प्रत्येक साल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है, लोगों को मैसेज क्या देना? लोग आए हमारे गेम को देखें, बाहर की टीमें आती हैं, कुछ देखने से कुछ सीखने को मिलता है, अपने बच्चों में ऊर्जा आती है, ताकि बच्चे भी देखें तो उनको लगे कि हाँ मुझे भी इस तरह का गेम खेलना चाहिए। और फुटबॉल ऐसा गेम है कि एक शारीरिक और मानसिक तौर पर इंसान स्वस्थ होता है। आखिर इस बार कहाँ कहाँ की टीम भाग लेंगे? इसमें टीम जहाँ तक अभी हम लोग राय किया है, सिल्लीगुड़ी है, नेपाल है, सहारा इंडिया लखनऊ है, समस्तीपुर रेल है, रांची की टीम है, धनबाद की टीम है, यही सब टीमें हैं। क्या लग रहा है इस बार बरहड़िया की होम ग्राउंड टीम खेल पाएगी इसमें? होम टीम तो अभी हमारे यहाँ अभी नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयास यही रखते हैं कि बाहर की टीम जो आए लोगों को मनोरंजन हम लोग दें। हमारे यहाँ के बच्चे खेल रहे हैं, कुछ दिन में आएगी टीम भी फिर चालू हो जाएगी, तो इसी पे अभी हम लोग ध्यान जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले आपके सिवान न्यूज़ एक्सप्रेस चैनल को धन्यवाद देता हूँ मैं, और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब इस टूर्नामेंट फुटबॉल जो है 2002-2000 में जब जेल में वो नहीं थे, हम लोग बहुत छोटे थे उस टाइम, तो हम लोग देखा उस टाइम आते थे खेल के, एक घंटा पहले हम लोग चले आते थे, इतनी भीड़ हुआ करती थी इस ग्राउंड पे, जो बाहर की सारी टीमें आया करती थी। उसके बाद से डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब किसी कारण वो जब जेल चले गए तो इस टूर्नामेंट जो है कि यहाँ पे बंद हो गया। फिर हमारे दाऊद भाई इस टूर्नामेंट को जैसे भी अपना आयोजन करके यहाँ पे चलाते थे, और पुनः जब हम लोगों ने सोचा कि आज हमारे पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन यहाँ पे नहीं है, और सिवान हो या बरहड़िया हो, अनेकों जगह उन्होंने बड़ा बड़ा खेल का आयोजन, फुटबॉल का आयोजन कराने का काम किया इस सिवान जिला के अंदर में, उसी को देखते हुए हम लोगों ने और इस कमेटी के सारे लोग जो हैं, दाऊद भाई हुए, हमारे महताब भाई हुए, रमदीन भाई, माशूक भाई हमारे हुए, अकबर भाई, हरेंद्र जी, न्याज सर, सब लोगों ने इस चीज़ का बैठ के निर्णय लिया
कि क्यों नहीं हम लोग ये खेल का आयोजन बड़े पैमाने पे जो इंडिया लेवल की टीम है उस टीम को उतारा जाए और यहाँ के बढ़रिया इर्द गिर्द आवाम को खेल मनोरंजन दिखाने का हम लोग काम करें। और यही हम लोगों ने बैठक आज किया है और ये संदेश पूरे जिला वासियों को देने का काम किया है कि आप आएँ बढ़रिया में 21 तारीख से हम लोग 21 फरवरी से मैच का आयोजन करने जा रहे हैं जिसमें हमारे तमाम राष्ट्रीय जनता दल के नेता एवं और भी सारे जो लोग हैं गठबंधन के हों या सेकुलरिज्म लोग हैं सबको हम लोग बुलाने का काम करेंगे और इस समाज में मैसेज देने का काम करेंगे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रति। हम लोग खेल कराकर और यहाँ से समाज को एक संदेश देने का काम करेंगे। मैं लक्की राष्ट्रीय युवा जिला उपाध्यक्ष सिवान।